मेरे को क्या है, मेरे को तो बुनाने नहीं आती। जिस गाँव जा दूंगी ना कॉल खड़ी होके, फिर भी ऐसे थोड़ी ना बनेगी मेरे से मक्की की रोटी। अच्छा। उसके लिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मुझे है नहीं है, तो मक्की की रोटी कैंसिल हो रही है फ्रेंड, है ना? ना, मक्की के बनेगी रोटी आज। अच्छा हाँ। ये देख लो दादागिरी, मक्की की खाएगी जाती, नहीं खाएगी रोटी दूसरी। अच्छा हाँ। दादागिरी देख रहे हो, दादागिरी हाँ। नहीं खाएगी दादी, नहीं खाऊंगी दाती, ना होगी साड़ी, वो होगी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। मक्की की रोटी को दुनिया खाती है? नहीं तो मक्की की रोटी मेरे को आती नहीं ना बनानी, मैं खड़ी होकर बता दूंगी। मुंह बना रही है? मुंह नहीं बना रही मैं, मेरे को तो बनानी है रोटी। वैसे तो मैंने इतना सारा आटा गूंदा हुआ है। एक तो ना ये मक्की की रोटी ना फ्रेंड, एक तो टूटती बड़ी है, मैं बताऊं, मैं सच बताऊं तो ये तो टूटती बड़ी है। अब मसा जब वो क्या कहते हैं, टूटे ना जब तवे पे डालो तो पकती लेट है। और ये तो पता कहते हैं रोटी जलोए भी ना, रोटी सिके भी ना, पत्नी इनके बहुत वो रहते हैं, बहमी है, बहुत बहमी दादी है। तो दादी मक्की की रोटी हम कल खा लेंगे, अभी गेहूं का आटा गूंदा हुआ है उसी की मैं तो अभी खाऊंगी। दाल बनाई है फ्रेंड मैंने, है और दाल में मक्की दाल के दाल के साथ स्वाद लगती है। ओ, ओ, एक और दुनिया बोलते बोलते थक गई, मक्की की रोटी सरसों का साग है और ये बातें करने दाल में स्वाद लगती दाल है, दाल में लगती है। फ्रेंड्स मैंने बनाई है दाल, ये दाल मैं क्या बताऊं, मैं बताऊं हमने दाल बनाई है, मैंने बनाई है दाल, अभी मैंने छोंकनी है दाल। और दादी कल खाएंगे मक्की की रोटी, मैं तो आज खाऊंगी। ये अच्छी दादागिरी होगी दादी। हाँ अरे देखो जो जो कहते हैं, बड़ा मजा आता है दादी के साथ, बड़ा मजा आता है दादी के साथ, बड़ा मजा आ रहा है। क्या हुआ? बाहर ढोल बज रहे हैं हमारे घर के बाहर। क्या हुआ, क्या होता है दादी? इन्नो सारा मैंने आटा गूंदा, मेरे क्यों गूंदा पूछ लेती, ले जी ले। घर में हम तीन बंदे, प्रीशा छोटी सी है, प्रीचौती है, क्योंकि वो भी खा लेती है, खा लेती, खाने वाली होती है यार मक्की की रोटी, वो भी खा लेती मक्की की रोटी। बरात आ गई दादी, बरात क्या करे, दादी कर ले डांस, बरात में ये जा रही है देखे। रोटी की कोई रोटी बरात की देख रहे हो, ये पहले ही भूमिका बना रहे हैं कि मैं जाऊं ना बाहर क्योंकि रोटी का टाइम हो गया। ये अच्छी आ गई मेरे लिए, मैं तो मैं देखू ही ना बारात में, ना देखू बारात में, नहीं देख सकती मैं। मैं तो मक्की की खाऊंगी, नहीं खाने की नहीं, मैं तो सो जाऊंगी। दादी अगर सो गई, एक छोटी सी बात है, चूहे किसके पेट में कूदेंगे, बहू के पेट में ना, बहू तो खा के सोएगी, कोई नहीं कूदेंगे, मैं तो खाऊंगी मक्की की। अरे मेरे को याद आ गया फ्रेंड, मुझे तो मक्की का आटा गूंदना भी नहीं आता, नहीं आता, मैं बताऊंगी। वो गेहूं का आटे की तरह इकट्ठा ही नहीं होता, ऐसे फैला रहता है, खाने की बारी तो हो जाता। अपने लिए तो देखो सब अपने लिए सब करते हैं, मैं बताऊंगी रोटी कैसे बनती है, मैं बताऊंगी आटा कैसे गूंदता है। और कुछ और चीज पूछ लो उसके लिए दादी कहेगी महंगे कुछ, मतलब ऐसे गोल गोल घुमा देगी। तो अभी दे रहो मैं बात करती हूँ, फिर आप खाओगे मक्की की रोटी, हम तो खाएंगे गेहूं की रोटी, सब खाएंगे, मेरा पोता भी खाएगा मक्की, पोता भी नहीं खाता, खा लिया मक्की। अच्छा पूछ के आते, पूछ ले। अरे राम जी फालतू में काम बढ़ाती है दादी हमारी। फ्रेंड था नारंग जी, मक्की की रोटी खानी, नारंग जी लेटे हुए फ्रेंड, नहीं उनको नहीं लेना। और फ्रेंड वहाँ पे मेरी बेटी ने बास्केट गेर दी, मैं दिखा नहीं सकती है आपको, मक्की की रोटी खानी क्या, खिला दो तुम ना, मतलब सच में यार ये तो मेरा ना दुश्मन बन गया सच में, इतना सारा गेहूं का आटा गूंदा हुआ है वो कौन खाएगा फ्रेंड, मेरा तो हाथ भी दर्द, इतना सारा गेहूं का आटा गूंदा हुआ है और हम ऑफर लेके आ रहे हैं मक्की के आटे का, नहीं मैं तो जस्ट पूछने आई थी, मैंने कहा मना ही कर दो, लेकिन ये लोग मना कहाँ करने वाले, पंजाबी लोग कभी मक्की की रोटी मना नहीं करते हैं, पंजाबी लोग तो पंजाबी लोग खाते हैं सरसों के साग के साथ, जो सरसों का साग हमारे घर में आज बना नहीं है, हमारे घर में बनी है दाल, और बल्ले बल्ले सच में यार।